हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के पांच स्टेजेस होते हैं, तो देखते हैं इन पांच स्टेजेस को डिटेल्स में। पहला है हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये वो स्टेज है जिसमें प्रोडक्ट डेवलप होती है, प्रोडक्ट बनती है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है न्यू प्रोडक्ट आइडिया की, किसी आइडिया की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए प्रोडक्ट बनती है। आइडिया जो होता है कंपनी का, उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अब इस स्टेज में ये होता है जब आइडिया के बाद प्रोडक्शन बनती है, प्रोडक्शन बनने का ये स्टेज है, तो इसमें कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, लेकिन जो सेल्स है वो ज़ीरो है, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बन रही है। जब बन रही है तो उसमें तो पैसा ही लगेगा, सेल्स तो हो नहीं सकती जब बन रही है प्रोडक्ट। और कंपनी को फिर ज़रूरत पड़ती है बहुत से आइडियाज़ बनाने की। ये नहीं होता कि एक ही आइडिया और उसी से जो है वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गई। बहुत से आइडियाज़ कंपनी को ज़रूरत पड़ती है बनाने की। अब न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ होने भी सिस्टमेटिक चाहिए। जो निज़ाम है कंपनी का, जो सिस्टम है, एक उसके मुताबिक होना चाहिए। आइडियाज़ जो है कंपनी के पास, वो इंटरनल सोर्सेज से भी आ सकते हैं, उनके अपने एम्प्लॉइज़ भी दे सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी आ सकते हैं। और फॉर्मल रिसर्च लेकिन ज़रूरी होती है इसके लिए। रिसर्च करे कंपनी, क्या क्या डिमांड है, इन डिमांड है, उसके मुताबिक फिर आइडियाज़ लेकर आए। क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसके मुताबिक नए नए फीचर्स आ रहे हैं प्रोडक्ट में, उसके मुताबिक जो है फिर आइडियाज़ लेकर आए। आइडियाज़ के लिए कंपनीज जो है वो बहुत से साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स के ज़रिए भी आइडियाज़ हासिल करती है, मैन्युफैक्चरिंग के जो लोग होते हैं उनके ज़रिए भी, क्योंकि उनका काम ही होता है चीज़ों को बनाना, या फिर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, ये सब भी, ये सारे के सारे लोग जो है वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म एक टेक्निक होती है, उसके थ्रू आइडियाज़ जो है वो फॉर्म करते हैं, जो भी नए आइडियाज़ होते हैं। ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो भी आइडिया आए उसको कुछ वक्त के लिए, अगर वो आइडिया अच्छा नहीं भी है तो कुछ वक्त के लिए उस आइडिया को लिसन किया जाता है, उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जितने भी आइडियाज़ होते हैं उन तमाम आइडियाज़ को जमा कर लिया जाता है इस टेक्निक के थ्रू, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू। तो तमाम जो नए आइडियाज़ होते हैं उनको जमा कर लिया जाता है, और फिर जो उनमें से अच्छा होता है उसके बाद बारे में फिर डिसाइड किया जाता है कि जो अच्छा आइडिया होता है वो ले लेते हैं, जितने भी आइडियाज़ अच्छे नहीं होते उनको हटा दिया जाता है। तो ये जो टेक्निक होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, इसके थ्रू साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरिंग के लोग और कंपनी एग्जीक्यूटिव वगैरह ये नए आइडियाज़ को फॉर्म करते हैं। अब जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाती है आइडियाज़ के बाद, तो दूसरा स्टेज आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज पे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, यानी कि मार्केट में प्रोडक्ट को रखवाया गया या लाया जाता है। इसमें होता है कि सेल्स जो है वो स्लो होती है, क्योंकि अभी अभी प्रोडक्ट नई नई आई है और हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट ना भी हो रहा हो, सेल्स इतनी नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है प्रमोशन करने की, बताने की ज़रूरत पड़ती है। प्रमोशन से पता चलता है कि कस्टमर्स को भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कि कंपनी ने कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च की है। इसमें प्रमोशन बहुत हाई होती है, प्रमोशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है। उसके अलावा और भी दूसरी प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि लोगों को बताया जा सके, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया जा सके कि कंपनी ने ये प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की है मार्केट के अंदर। तीसरी स्टेज है ग्रोथ स्टेज। अब इंट्रोड्यूस भी हो गई प्रोडक्ट बनने के बाद, अगर प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाई करती है मार्केट को, लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं, लोगों को प्रोडक्ट अच्छी लगती है, तो प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट कर जाती है क्लाइम करना बहुत तेज़ी से, जो उसकी सेल बढ़ती है, जो लोग पहले बाय कर रहे थे वो आगे भी बाय करते हैं, और नए लोग भी जो है वो भी बाय करना शुरू कर देते हैं। जब वो पुराने लोगों से सुनते हैं प्रोडक्ट की तारीफ़ें, तो वो भी उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी है। अब इसी तरह जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं कंपनी के, वो देखते हैं कि ये कंपनी इस प्रोडक्ट के थ्रू बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो भी मार्केट में इंटर होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से फिर ये भी है सिलसिला इस स्टेज में कि जब कंपनी की सेल बहुत अच्छी हो रही, तो अगर कंपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करे, जो बनाने की जो उसके मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसको अगर बेहतरी करे, प्रमोशन करे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करे, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी से अच्छी करे, उसको फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करे और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करे, तो उसके बाद कंपनी एक डोमिनेंट पोजिशन भी कैप्चर कर सकती है, यानी कि सबसे ज़्यादा सेल हो सकता है उसी कंपनी की हो, जो इन टेक्निक्स को, जो इन सब चीज़ों पर फोकस करे, तो हो सकता है उस कंपनी की प्रोडक्ट की सेल भी सबसे ज़्यादा हो, जब वो देखे कि ग्रोथ हो रही है। तो ये स्टेज होती है कंपनी को डोमिनेंट पोजीशन हासिल करने की। अगर किसी प्रोडक्ट की डोमिनेंट पोजीशन हासिल करनी है तो ये स्टेज है ग्रोथ की।
क्योंकि अब इसके बाद जो स्टेज आता है वो है मेच्योरिटी का। जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई, अब जो है वो ग्रोथ में कमी आ गई मेच्योरिटी के अंदर, और ये मेच्योरिटी की स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। ग्रोथ में तो बढ़ गई, अब जब जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, उसके बाद बहुत स्लो स्लो होगी। अब ये लंबा तरीन स्टेज आ गया, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए चैलेंज भी होता है क्योंकि अब स्लो आ गई है ग्रोथ में, स्लो डाउन होता है। अब उसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत होता है। पिछली स्टेज में बताया था कि प्रॉफिट देख के बहुत से कॉम्पिटिटर इंटर हो जाते हैं, अब वो कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारे इंटर हुए हुए हैं, इस वजह से इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी चाहे तो मॉडिफाई कर सकती है प्रोडक्ट को, नए फीचर्स लेकर आए, प्राइस में चेंजेस कर सके, उससे फिर जो है वो प्रोडक्ट को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो मॉडिफाई करना भी बड़ा ज़रूरी हो सकता है इस स्टेज में। और इसी वजह से जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इस स्टेज में, तो बहुत से वीक कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री छोड़ के चले भी जाते हैं। जो एस्टैब्लिश कॉम्पिटिटर्स होते हैं वही बाकी रहते हैं, जो जिनकी डोमिनेंट पोजिशन है वो बाकी रहेंगे, जिनकी अच्छी सेल्स हो रही है वो बाकी रहेंगे, बाकी जिनकी अच्छी सेल नहीं है वो चले जाते हैं इंडस्ट्री छोड़ के। इसी के बाद मेच्योरिटी के बाद आखिरी जो स्टेज आता है प्रोडक्ट का, वो है डिक्लाइनिंग। मेच्योरिटी में सेल्स डिक्लाइन नहीं होती लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। अब यहाँ तो सेल्स ही डिक्लाइन हो रही है, जब सेल्स डिक्लाइन होएगी तो प्रॉफिट भी जाहिर बात है गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए भी होता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी, फॉर एग्जांपल फ़ोन की बात लें, फ़ोन की टेक्नोलॉजी हर साल नहीं आ जाती है, हर साल क्या बल्कि कुछ महीनों बाद ही अब तो आ जाती है। अब जब एक साल पुराना मॉडल है किसी भी फ़ोन का, तो अब कोई लोग जो है वो एक साल पुराना क्यों लेंगे? मोस्टली ज़्यादातर लोग तो वही लेंगे जो नए से नया मॉडल आएगा। गाड़ियों के अंदर भी जब पुराना मॉडल होता है एक साल का, लोग वो नहीं ख़रीदेंगे। या फिर नया शेप, अगर मॉडल नया आ भी गया है, कंपनी ने नया शेप नहीं निकाला गाड़ी का, वही पुराना शेप चला रही है, बाकी कंपनी ने नया शेप निकाल दिया। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जब आ जाता है, और फिर कस्टमर का जो टेस्ट है, कस्टमर की चॉइसेस बदल गई, वक्त के साथ साथ कस्टमर की चॉइसेस वो नहीं रहती जो पहले थी, अब इसी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इसमें होता है, तो इसी वजह से प्रोडक्ट की जो है वो डिक्लाइन हो जाती है सेल्स। अगर मैनेजमेंट चाहे तो कुछ वक्त के लिए सेल्स को रोक सकती है, कुछ वक्त के लिए सेल्स को रोकने से मतलब अपने खर्चे कम कर सकती है, और जो सेल्स में कमी आ रही है कुछ वक्त के लिए वो प्रॉफिट बरकरार रख सकती है, हार्वेस्ट कर सकती है अपने खर्चे रोक कर, और चाहे तो फिर उस प्रोडक्ट को लाइन से ड्रॉप भी कर सकती है। अब ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहती है। ये थे 5 स्टेजेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए जो लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को सीखना चाहते हैं, और अगर आपको इस वीडियो में भी कोई मिस्टेक लगती है तो उसको भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए नीचे कमेंट में।